वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर्ड टेस्ट। आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे, तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने की रेसिपी। मेथी के पराठे बनाने के लिए हम लिए हैं एक गड्ढी मेथी, मैं ली थी उसके सिर्फ पत्ते, डंडी नहीं, सिर्फ पत्ते में तोड़ ली और उसे अच्छी तरह से धोकर एक छन्ने में रख दी। जब पानी निकल गया तो उसे इस तरह से मैं बारीक कट कर ली हूँ, उसमें डंडी न रखें। और यह है एक टीस्पून भुना धनिया पाउडर, इसे ये मेरा होममेड है, हल्का सा धनिया के रोस्ट करके और उसे मैं पाउडर बना ली हूँ। एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून भुना जीरा पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, एक टीस्पून आमचूर पाउडर, एक टीस्पून नमक और एक टीस्पून सौंफ। सौंफ मेरा खड़ा सौंफ है, इसे हाथों से अच्छी तरह मसल लें। और ये एक टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा भर के लहसुन और हरी मिर्च की चटनी और ये हींग और ये दो कप मेजरिंग कप से बराबर करके गेहूं का आटा, आधा कप चने का बेसन। सबसे पहले मैं ली हूँ एक कढ़ाई, उसमें डाली हूँ एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा तेल। मीडियम फ्लेम पे मैं तेल को गर्म कर ली हूँ। ये डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, अब इसी में डाल रही हूँ ये कटे हुए मेथी। मेथी को मीडियम फ्लेम पे हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से चला चला कर भून लेंगे। इसका ढक्कन नहीं लगाएंगे, खुला ही इसे भून लेंगे। इससे क्या है कि इसका कड़वापन निकल जाता है और पराठे हमारे बहुत टेस्टी बनते हैं, कड़वे नहीं बनते हैं। हाई फ्लेम पर हमने चला चला कर इसे 5 मिनट भून लिए हैं। बहुत अच्छे से भून चुका है, इसका पानी भी सूख गया है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। जब तक हमारी मेथी भाजी ठंडा हो रहा है तब तक हम ये ले लिए हैं आटा, जो हम दिखाए थे आपको, 2 कप आटा और ये 1/2 कप बेसन और ये मसाले। और चटनी, ये हरी चटनी। और यहाँ भाजी भी ठंडी हो चुकी है। इन सबको हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ये पानी डाल डाल कर इसे, जिस तरह हम पराठे के लिए डो लगाते हैं आटे का, थोड़ा सा टाइट, रोटी से थोड़ा सा टाइट रहेगा इसका डो, हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये देखें, मैंने आटा अच्छी तरह से गूंद ली हूँ, अच्छा सा डो तैयार हो चुका है। ज़्यादा नरम भी नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत अच्छे से इसे मैं गूंद चुकी हूँ। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। ये देखें, हम आटे के डो से 6 लुइया काटे हैं। हम बड़े बड़े साइज़ के थोड़े मोटे थिकन वाले पराठे बनाएंगे। इसको हम सूखे आटे में इस तरह से डिप करेंगे। अगर आपके घर में पतले पराठे पसंद किए जाते हो तो आप लुइया थोड़ा छोटा लीजिए। मेरे घर में थोड़ा मोटा मोटा पसंद किया जाता है, इसलिए मैं लुइया थोड़ा मोटा ही ली हूँ। इस तरह से हम ये देखें इस साइज़ के पराठे में बेल रही हूँ। इस तरह से हम अपने आटे से सारे पराठे बेल लेंगे। ये देखें, मैं तवा अपना अच्छे से गर्म कर चुकी हूँ, इस पर हल्का सा तेल लगा कर इसे साफ़ कर दी हूँ। अब हम पराठे बेलते जाएंगे और इस तरह से सेकते जाएंगे। अभी मेरा गैस का फ्लेम हाई है, अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तवा तो आप मीडियम कर दें फ्लेम, अभी ज़्यादा गर्म नहीं है तो इसलिए मैं हाई पर रखी हूँ। से हल्का सा सब एक तरफ से हल्का ही सेकें, फिर दूसरे साइड पलट दें। यहाँ से हम अच्छे से एकदम क्रिस्पी होने देंगे पराठे और एकदम अच्छे से डॉट्स आने देंगे। अब हम लगाएंगे इसमें तेल, हल्का सा सिकने के बाद इस तरह से हम पराठे पे, अगर आप लोगों को घी पसंद है तो आप लोग घी लगाएं, किसी को बटर पसंद आता है तो बटर लगा के बनाता है। फिलहाल जो आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। इस तरह से हम पलट देंगे, दोनों साइड से हम पराठे अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। अभी गैस का फ्लेम मैं मीडियम करके पराठे आगे का सेकी हूँ, अच्छे से क्रिस्प भी हो गया और ये देखें अच्छे से डॉट्स आ गए हैं। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। इसी तरह से हम अपने सारे पराठे बेल लेंगे और इसी तरह से सेक लेंगे। देखें, बन के तैयार हो गए हमारे मेथी के पराठे, बहुत ही अच्छे बने हैं। ये देखें किस तरह से खोखले, इस तरह से
बहुत अच्छे पराठे बने हैं। और ये है टमाटर की चटनी, थोड़े से कच्चे थोड़े से पक्के टमाटर को हमने बॉयल करके इसको हरी मिर्ची और लहसुन नमक के साथ चटनी बना ली है। इसके साथ ये पराठे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको दही अचार जो भी पसंद हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।